That's the kind of vibe we try to project at Filmfare. And my co-host for tonight is the very classy, the very suave, the very, very... Come on, everybody in the hall, please cheer for my family. शुक्रिया आपका. आप भी अपनी पेमेंट ले लीजिए जहां से भी मिलती है आपको. ठीक है. मैं यहाँ क्लास की बात कर रहा था और तुम ढोल बजाते हुए आए हो. शर्म नहीं आती? सर मैं नहीं आया. मेरे गांव वालों को जब पता चला मैं फिल्म फेयर होस्ट करने जा रहा हूँ, ब्रिटानिया फिल्म फेयर अवार्ड 2014, तो फिर इसी चक्कर में थोड़ा लेट हो गया. मेरे को छोड़ने आ गए. तुम लेट नहीं, जल्दी आए. तुम्हारी फिल्म अगले साल रिलीज हो रही है. यहाँ क्या कर रहे हो तुम? सर अगले साल आऊंगा ना, अवार्ड लेने आऊंगा. इस समय मैं आपका को हॉट्स हूँ. क्या? को हॉट्स. को होस्ट कहते हैं जो भी है. सर आपने इतनी इंग्लिश आई, थोड़ा आप अपनी तरफ से भी समझिए ना. सारा कुछ मेरे पे छोड़ रखा आपने. मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने तुम्हें कैसे चुना. आई मीन वे लाइक पोल्स अपार्ट. हमारा कोई मैच ही नहीं है. सर हमने कौन सा आपस में शादी करनी है? आप अपनी लाइन बोलिए, मैं अपनी लाइन, उसके बाद मैं अपने घर, आप भी किसी ना किसी के घर. मेरे कहने का मतलब था कि वी आर रियली पोल्स अपार्ट. पोल्स बीच में कहां से आ गए? पोल डांस की कोई बात नहीं हुई थी मैडम. Oh God, why am I even talking to you in English? Why am I wasting my time? आपको नहीं बोलनी इंग्लिश, मत बोलिए, मैं बोल देता हूँ. मुझे तो बोला गया था मेरे साथ कोई बड़ा सुपरस्टार होस्ट करेगा. सर मुझे भी यही बोला गया था कि आपके साथ बहुत बड़ी एक्ट्रेस होगी. पर मैंने भी अपने दिल को तसल्ली दे ली. मैंने सोचा आप भी किसी बड़ी एक्ट्रेस से कम थोड़ी है सर. मतलब आप बड़ी बड़ी हीरोइन को मौका देते हैं सर. उन्हें काम देता हूँ जी, पर तुम्हारे साथ मैं शो होस्ट नहीं कर सकता. आई एम सो क्लासी, यू आर सो मासी. टेरेंस सर, जब मैं पैदा हुआ था ना, मैं बिना कपड़ों के हुआ था. आप जब पैदा हुए थे आपके टक्सीडो पहन के हुए थे सर. आप बाथरूम जाते खुद ही जाते कि सेक्रेटरी रखी हुई सर? मैं डकार लेता हूं खाना खाने के बाद, आप बर्फ लेते हैं. फर्क सिर्फ इतना ही ना, मेरे मुंह से पराठे की स्मेल आती है, आपके मुंह से पास्ता की स्मेल आती है. मेरे मुंह से स्मेल नहीं आती कभी. कहीं और से आती होगी, लेकिन आती तो होगी ना सर. किसी समझदार ने सही कहा है कि मूर्ख से बात करने के लिए मूर्ख बनना पड़ता है. जब मैं आपसे बात करने के लिए समझदार बन सकता हूं, तो आप मेरे से बात करने के लिए मूर्ख नहीं बन सकते सर. What happened, man? आप हमेशा क्लासिक. थोड़ा मास से जुड़िए सर, मास के साथ. दिखाई नहीं देता, काफी मास से जुड़ चुका हूं मैं. मेरी फिल्में ऐसी हिट नहीं हुई, मासेस की वजह से चली है. बट आई कांट होस्ट दिस शो विथ यू. मैं अभी ऑर्गेनाइजर से बात करते आ रहा हूं. आई एम फेड अप, आई कांट डू दिस, नॉट विथ यू कपिल, नेवर. कम ऑन मैन, सो जेलस. ये करण सर का मुझे बिहेवियर समझ में नहीं आया. कहते मुझे पता नहीं था तुम्हारे साथ होस्ट कर रहा हूं. 2 महीने से प्रोमो चल रहे हैं कि आपको अभी इतनी एक्टिंग करने की क्या जरूरत है. पर कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि हो सकता है बड़े आदमी प्रोमो शूट करके भूल गए हो. एनीवेज लिव इट. मैं जब फिल्म फेयर देखता था घर पे बैठ के, तो मुझे ये लगता था कि यहां का माहौल जो होता है बड़ा कूल होता है. सब एक्टर्स बड़ा कूल तरीके से बैठे होते हैं. लेकिन यहां आके मुझे पता चला कि हर आदमी अपनी अलग ही टेंशन में बैठा हुआ है. सबसे पहले मैं अगर बात करूं हमारी अभिनेत्रियों की, इनको अवार्ड मिलने से ज्यादा टेंशन इस बात की होती है कि मैंने पहन के क्या जाना है. ये जितना डिजाइनर्स का दिमाग खाती हैं, लिसन द लास्ट टाइम प्रियंका वाज बेटर, इस समय मेरी होनी चाहिए. मैम ये चलेगी? नहीं नहीं, ये तो 2 साल पहले दीपिका ने पहनी थी, समथिंग एल्स. अब मेरी फिगर सबसे अच्छी दिखनी चाहिए. यहाँ पे साइड पे थोड़ा काला कपड़ा डाल देना, मेरी टमी कम नजर आएगी. ओके इतना कंफ्यूज करती हैं ड्रेस डिजाइनर्स को कि एन मौके तक इनकी ड्रेस नहीं बन पाती. कोई ना कोई पार्ट रह जाता है, वो फिर जैसी बनी होती वैसी भेज देते हैं. कईयों की स्लीव्स नहीं होती, कईयों की बैक नहीं होती, फिर वैसी पहन के आ जाती है. हमें लगता है फैशन है. एक बार मैंने खुद देखा, एक रेड कारपेट पे हीरोइन चल के आ रही थी, उनकी ड्रेस के पीछे हैंगर लटका हुआ था. और डिजाइनर बोला, बेबी इट्स नॉट अ हैंगर, इट्स अ जिप्स हुक, आई जस्ट इन्वेंटेड. तबू जी आप हंसती हुई बड़ा अच्छा लगती है, लेकिन हंसी अंदर मत रखा करें, इसको बाहर आने दीजिए, दिल के गुबार को. फिल्में जैसी मर्जी करें, हैदर में चाहे जैसे मर्जी रोल करें, अवार्ड फंक्शन में आती लग रही है कहीं से भी शाहिद की मम्मी. तब्बू जी को देखो भैया, अगर ऐसी आप उस फिल्म में बनती ना, तो शाहिद और केके मैंने लड़ मर जाते. खैर ये बातें चलती रहेंगी. मेरे को होस्ट कहाँ चल, अरे आई ऐसे थोड़ा मजाक मस्ती चल रही थी. इवन यू आर वेयरिंग वेरी नाइस सूट, या कांग्रेचुलेशन. बट आई हैव एग्रीड टू होस्ट द शो विद यू नाउ कपिल. अच्छा हाँ, तो अभी तो आप गुस्से में गए थे, अभी कैसे? अरे जब पेमेंट डबल हो जाए ना, तो सीआईडी शो का एसीपी प्रद्युमन भी बन सकता हूँ.
कुछ भी हो सकता है मेरे लाइफ में, कुछ भी हो सकता है. इसी प्रद्युम्न बन सकते हैं आप. हाँ, दरवाजा तोड़वाएंगे. दरवाजा तोड़ो दया, मुझे लगता है कुछ हैपनिंग है. सर वो बाहर का दरवाजा तोड़वाते, आप अंदर वाला तोड़वा रहे. मेरा अंदर का दरवाजा कब का टूट चुका है कपिल. Let's now begin. Let's not talk about all these things. Let's okay. go on with the proceedings. Hello, everyone, and very good day to you. Good day, नहीं, it's night time. Good day की बात क्यों कर रहे हो? सर, आप बड़े लोग हैं, आप फिल्मों से पैसा कमा लेंगे. ये स्पॉन्सर लोग हैं. मैंने कुछ नहीं ना बोला तो ये पैसे मेरे यही काटेंगे, ब्रिटानिया 50-50 वाले. तो गुड डे की का प्रोडक्ट है. Good day to you. Very good day. ब्रिटानिया फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम एंड टू डू दी ऑनर्स मे आई प्लीज कॉल ऑन स्टेज मनस्वी मंगाई एंड मिस्टर कबीर बेदी. I thank Filmfare for giving me the honor of presenting the first award of the evening. Now, the winner of the Best Costume Award is Dolly Aliwalia for Haider. Love you, I love this black lady. Thank you. और आपके साथ PK भी जो है वो nominee थे. Please उनके dress designer को बता देना कि radio is not a dress. Thank you. Carolyn Kapil. Great to see you guys. You always are so fabulous. Thank you, sir. What's the next award? अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं. अगला अवार्ड है उनके लिए जो चाहे किसी की सुने या ना सुने, लेकिन इनकी सबको सुननी पड़ती है. कौन है? पुलिस वाले. ब्रिटानिया फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट साउंड डिजाइन एंड द विनर इज अनिल कुमार एंड प्रबल प्रधान फॉर मर्दान. थैंक यू वेरी मच सर. Next up, ladies and gentlemen, is the Britannia Filmfare Award for Best Production Design. And to present this award, may I please call on stage the beautiful Manisha Koirala and Maddie Madhavan. And the winner is Shubhrata Chakraborty and Amit Roy. कपिल, अगर कोई तुम्हें चुप करा सकते हैं तो ये है द अगला कैटेगरी. अच्छा, मतलब अब हाँ. अब पुलिस आ रही पक्का. नहीं, हमारे एडिटर्स. ओके. तुम चाहे जितना भी बोल लो, स्क्रीन पर उतना ही दिखोगे जितना ये चाहेंगे. चलो देखते हैं ब्रिटानिया फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एडिटिंग.